रोशनी सिर्फ आपका नाम नहीं है बल्कि आप खुद रोशनी। ओ, जब प्यार की आग सुलगती मोहब्बत जितनी भी हो थोड़ी सी लगती है। जब इश्क तमन्ना जलती She's very pretty, Bobs. Very graceful. फिर कोई मसीहा आता जलते गुलाबों को देखा तपते चरागों को देखा जलते गुलाबों को देखा तपते चरागों को देखा जब ताजा गुलाब है जलता। ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा देनी चाहिए जो किसी को रोज मरने के लिए छोड़ देते हैं और फिर उसे मोहब्बत का नाम देते हैं। ये लोग अपनी घटिया अना परस्ती को मोहब्बत का नाम देते हैं। मासूम लड़कियों को झूठे खा दिखाते हैं, मोहब्बत का नाम देते हैं उसे और अपने आप को तस्कर देते हैं। जब से मैं इस काम में हूँ, जब से मैंने स्माइल अगर एस्टेब्लिश किया है, ये 11वां केस है जो मेरे सामने आया है। जो दिल पता नहीं कर सकता वो जबर करता है। मैं ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता हूँ और एक प्यारी सी लड़की का दिल फतह करना चाहता हूँ। जबरदस्ती मेरी फितरत में नहीं है। प्यारे से चेहरों पर मरने वाले जीते जी मार भी देते हैं। दिल के साथ साथ उनका चेहरा भी छीन लेते हैं। जब ताजा गुलाब है जलता अरे बहुत मजा आई मान से। क्या मजे के खाने थे आज। हाँ मटन भी बहुत मजे का, बिरयानी, कोरमा, सब्जी तो बहुत जबरदस्त थी। लेकिन एक बात है, अपन तो ये रोज ही खाने खाते हैं नहीं? हाँ नजर आते हैं कि रोज खाते हैं। हाँ पार्टी भी फिर छेड़ा ना मेरे को आपने। अच्छा एक बात बताओ, हमारे रुस्तम के लिए वो बंटी कैसी लगी? पूरे सर्कल में ऐसी छोकरी नहीं आएंगी। अरे बंटी शंटी को भूल जा, तेरे बेटे ने अपने गले में अपनी पसंद की घंटी लटका ली है। ओए मेरी माँ, ये क्या बोलते हो आप? मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ उसको बोलो अपनी ये जितनी घंटियाँ है ना ये बाहर ही रखे, मेरे मथे नहीं लगे। उसको 1000 दफा बोला है कि अपने बराबर के लोगों में शादी करेंगे, चांद जैसी बहू होवे, जमीन जायदाद खानदान ये चाहिए मेरे को। देख एक दफा उस खतरे की घंटी को मतलब अपने छोकरे की पसंद को देख तो ले, कल चलते हैं। देखो ये खतरे की जितनी घंटियां है ना इसको कंट्रोल करो, ने अपने छोकरे को भी कंट्रोल करो, नहीं तो मैं जाती हूँ अपने मेके। देख पार्टी बहनी तेरा बेटा है और बेटे को माँ मेके जाने से नहीं डराती, शोहर को डराती है। मुझे नहीं पता बेटे को किससे डराते हैं। ये काम तो आपको करना है बस। कोई मजाक है? किसी भी रास्ता चलती छोकरी को बोलेगा शादी कर दो तो हम उसकी शादी कर देंगे? नहीं भाई, शादी होगी तो सिर्फ बंटी से, नहीं तो बैठा रहे घर में कुंवारा सारी जिंदगानी। कुसुम 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 देख तेरे साथ बेटे नहीं है कि कोई एक कुआरा बैठा रह जाएगा तो कोई बात नहीं। एक बेटा है मेरा, ये जो इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर है ये क्या ट्रस्ट को दे दूं? क्यों? देख हम बिजनेसमैन लोग हैं, एक के चार चाहिए, एक बेटे से चार पोते चाहिए मेरे को चार। तुझे कोई इतराज है, कोई खतरा है, कोई परेशानी है, तुझा जाके मेके बैठ, हम बाप बेटा सारा काम संभाल लेंगे। आप मेरे को मेके जाने को बोलते हो? आपकी मैंने सारी जिंदगी सर्विस की और ये सिला दिया आपने मेरे को। अब रो नहीं रो नहीं, तूने कहा मैंने कहा हाँ ठीक है सुभान अल्लाह। मैं तो डरा रही थी आपको। अरे माल को खतरा हो तो कोई डरने वाला नहीं है, इसलिए कि माल ना मेरे जहेज में आया ना वसीयत में, सब खुद बनाया अपने जोरे बाजू से। तोबा तोबा, अरे हमारे पापा ने आपको फैक्ट्री दी थी जहेज में, वो भूल गए? फैक्ट्री को फुके क्यों मारते हो? डेड थी, मरा हुआ घोड़ा था, किस मुश्किल से चलाया उसको, कितना बड़ा इंजीनियर रखा, उस वक्त 2 लाख रुपए महीना तनख्वाह दिया। रोकड़ा भी तो कमाया ना आपने, कितना मेहनत की उस पे, डेड फैक्ट्री को जिंदा किया। ठीक है तो फिर मैं भी ऊंचे खानदान की बहू लेके आऊंगी,
जहेज में डेट फैक्ट्री क्यों नहीं लेके आए? लेकिन राह चलती छोकरी को ना बहू नहीं बनाऊंगी। भूल जाओ तुम लोग बाप बेटा, दिमाग खराब किया हुआ है मेरा, गुस्सा दिला देते हैं। इसको बड़े घर की बहू चाहिए, खानदान चाहिए, जहेज चाहिए, मेरे को पोते चाहिए, बेटे को डेकोरेशन पीस चाहिए। ऐसा माल तो मार्केट में तैयार नहीं मिलेगा, ऑर्डर पे बनवाना पड़ेगा। भाई तुम सेठ पुणे वाला के यहाँ अपने ऊपर चाय गिरा के तो आ गई, अब वो इसे अपने ऊपर कर्ज समझ रहे हैं, इसलिए तुम्हें लाजमी मेरे साथ जाना होगा। आंटी बिल्कुल ही मूड नहीं बन रहा, काफी काम है और आप तो जानती हैं कि हाउस जॉब शुरू होने के बाद क्या हाल होता है। वो तो मैं देख ही रही हूँ, लेकिन मुझे अकेले जाने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तुम्हारा हाथ तो ठीक हो गया ना अभी? जलन वगैरह तो नहीं हो रही ना? जी आंटी अब बेहतर है, अच्छी जल है, लगाने के बाद सुकून आ जाता है। मगर छोड़ो ना रोशनी, तुम अगर मगर बस तुम ऑफिस आ जाओ प्लीज। आप ही चली जाती तो अच्छा था। खैर मैं मम्मी को बता दूंगी। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Hey Bobs, मुझे आपके साइंस चाहिए यहां पे। ब्लैंक चेक तहत करा रहा है, बड़े मजे आ रहे हैं तेरे भी? मजे नहीं आ रहे बॉब्स, आपके बेटे की इज्जत का सवाल है और तेरे बाप की उसूलों का सवाल है। पाचने शादी के बाद ताने देगी मुझे, इतना बड़ा मोनोग्राम लगाया था ग्रुप ऑफ कंपनीज का और डोनेशन देते हैं सोच सोच के। शादी? क्या बकवास कर रहा है, किसकी शादी? आप बोल गए ना, मैं सदीबा के साथ जो दिन लड़की आई थी उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, तो लॉन्डिया को इम्प्रेस करने के लिए सारा ड्रामा रचाया जा रहा है ब्लैंक चेक का है? वाह बेटा वाह। अच्छा बॉब साइन कर रहे हैं, आप भूल रहे हैं आप मैडम से प्रॉमिस कर चुके हैं। मुझे भी थोक है ना कभी न कभी जज्बाती होने का। ठीक है सर, एक चेक भी अदीबा जी को मैं खुद ही दूंगा। मैं देखे तो सही नजर छोगरी को जिसकी खातिर इतने नामे हो रहे हैं। हाँ सुन, फोटोग्राफर से कहना तस्वीरें बहुत अच्छी अच्छी बनाए और आज ही प्रेस वालों को भिजवा भी देना। अच्छा हाँ आप साइन तो कर दें और मैं अदीबा का नाम लिख दीजिएगा। मेरे प्यारे अहम बच्चे, डोनेशन के चेक पे पर्सनल नाम नहीं होता, कंपनी का नाम होता है। एनजीओ का पूरा नाम उस पर टाइप करवा के लाओ, इम्प्रेस करना है ना, हाथ से लिखा अच्छा नहीं लगेगा। थैंक यू बॉब्स। ये मरवाएगा भाई, ये मरवाएगा। क्या सोच रही हो? नहीं ऐसे ही बस। शबनम की तबीयत अब कैसी है? अल्लाह का शुक्र है कि अब खासी बेहतर है। आप ऐसा करें मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं कुछ वक्त शबनम के साथ गुजारना चाहती हूँ। फिर घर कैसे आओगी? बाबा को फोन करके गाड़ी मंगवा लूंगी, आप फिक्र ना करें। ओके। अच्छा ये बताएं क्या वो दरिंदा अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ? हो जाएगा, असल में जो मुजरिम भागकर फाटा या दुबई चले जाते हैं उनकी गिरफ्तारी में वक्त लग जाता है। तो आप सलमान से कहें ना कि वो जल्दी करें। बेवकूफ, एक लीगल प्रोसेस होता है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। जब से मैंने शबनम का चेहरा देखा है रातों की नींदें उड़ गई हैं मेरी। तुमने ऑफिस फाइल्स में खवातीन की तस्वीरें देखी है ना जो बेचेहरा हुई है? उन्हें जिस वक्त मैं हॉस्पिटल लेकर जा रही थी तो उनकी हालत ऐसे होती है जैसे कोई मछली जिसे पानी से निकाल कर रेत पर बस मरने के लिए फेंक दिया हो। और फिर जब रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के बाद उनके चेहरे दोबारा उन्हें मिल जाते हैं तो वो ऐसे लगते हैं कि जैसे उन्हें जिंदगी की हर खुशी मिल गई है, जैसे सूरज डूबना भूल गया हो।
इंशाल्लाह मैं शबनम को अपने साथ इटली लेके जाऊंगी और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के बाद वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। और उसके दिल का क्या करेंगे आप, जो मोहब्बत का नाम सुनकर खौफ से कांपने लगेगा? प्लेजर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। रुस्तम। सलमान। हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? ग्रेट, ग्रेट। आई एम सो सॉरी आप लोगों को मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मामा कीज। अभी मुझे ऑफिस जाके बहुत सारे काम करने हैं, तो तुम ये चाबियां घर पे छोड़ दे। ठीक है मामा, अगर आपको काम है तो मैं रोशनी को घर ड्रॉप कर देता हूँ। एक्चुअली मैं भी घर ही जा रहा हूँ। नहीं थैंक्स, मैं आंटी के साथ चली जाऊंगी। जब ताजा गुलाब है जलता। जब ताजा गुलाब है जलता। आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वकील साहब, मेरे पास तो आपको फीस देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने आपसे फीस की बात की? वो पड़ोसन कह रही थी वकील साहब बहुत फीस लेते हैं, घर तक बिकवा देते हैं। आप बेफिक्र रहें, मैं आपका घर बिकवाऊंगा नहीं बल्कि आपको आपका घर वापस दिलवाऊंगा, जिस पर आपके तीन बेटों और बहुओं ने कब्जा कर लिया और आपकी चारपाई को सहन में रख दिया। माँ तो औलाद के लिए छांव होती है, अगर आपकी औलाद ने आपको धूप में लाकर बिठा दिया, अब आप देखें मैं उनके साथ करता क्या हूँ। बड़े नसीब वाली है वो माँ जिसे अल्लाह ने आप जैसा बेटा दिया है। वकील साहब कुछ कर दीजिए मेरे लिए। चाय लीजिए ना प्लीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब से हमारा इलाज तो फ्री, कोई भी प्रॉब्लम होगा पहुंच जाएंगे आपके क्लिनिक। क्लिनिक असल में रोशनी के वालिद चाहते हैं कि इसके लिए हॉस्पिटल बनाए और उस हॉस्पिटल का नाम रखें रोशनी, यानी मायूस लोगों के लिए उम्मीद की रोशनी। ग्रेट। असल में इकलौती बेटी है अपने वालिदैन की, तो इसलिए अब सारी इसकी ख्वाहिशें और सारी अपनी ख्वाहिशें पूरी करना चाह रही है। आंटी अब चले? अरे ऐसे कैसे चले, अभी अभी पॉप्स का मैसेज आया है, वो आ रहे हैं, तो एक छोटा सा फोटो सेशन है, वो करना है आप लोगों के साथ। क्या फोटो सेशन? ये तो देखिए हमारे लिए ऑनर की बात है मैम, जिस तरह माशरे की इतनी खिदमत कर रही हैं, एक छोटा सा जेस्चर हम भी देना चाहते हैं। अरे क्यों शर्मिंदा करते हैं आप, मैंने तो अभी तक कुछ नहीं किया है, अलबत्ता मैं बहुत कुछ करने का सोचती जरूर। I'm sorry, पॉप्स एक मीटिंग में थे इसकी वजह थोड़े लेट हो रहे हैं, मीटिंग कैंसिल करके आप लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं स्पेशली। Excuse me, I have to take this. Hello? चलिए ना आप भी, क्या आप जाफरी खैरियत है? अच्छा कब पहुंचा दूं? ओके सी यू बाय। पासपोर्ट। पासपोर्ट तो शायद मामा के पास है। अच्छी है, बहुत अच्छी बात, वेरी इंप्रेसिव। सलमान। हेलो जी सलमान। हेलो मामा, मेरा पासपोर्ट आपके पास है ना? हाँ वो मेरे कबर्ड के लॉकर के ड्रॉ में पड़ी हुई है। अच्छा ठीक है,
मैं जाकर ले लेता हूँ। लेकिन चाबियां तो यहाँ है मेरे पास, तुम्हें पता है ना मैं सारी चाबियां एक की रिंग में रखती हूँ। ठीक है तो फिर मैं आपसे कीस ले लेता हूँ आके। मैं साउथ ऑफिस में नहीं हूँ बल्कि मैं तुम्हारे ऑफिस के करीब हूँ। अच्छा अब तो फिर आप मुझे एड्रेस बताएं, मैं आता हूँ। ठीक है। I'm sorry सेठ साहब, मेरे बेटे का फोन था, उसे ह्यूमन राइट्स कमीशन में बुलाया है तो उसे यूरोप जाना है। अच्छा माशाल्लाह बड़ा आदमी है। बड़ा तो सिर्फ अल्लाह है सेठ साहब, जो अपने बंदों से काम लेता है। बेशक बेशक बेशक, इस दिल का तो बड़ा हुआ जी। हाँ वो जो बात हुई थी वो तो फोन की वजह से बीच में रह गई। ये बच्चे ये पढ़ रहे होते हैं ना डॉक्टरी, तब तो उनके बड़े बड़े ख्यालात होते हैं कि इंसानियत की खिदमत करेंगे और फलां करेंगे और ढुकवा करेंगे और वगैरह करेंगे और वगैरह करेंगे। अगर जब डॉक्टर बनते हैं तो भूल जाते हैं बस, और पैसा इकट्ठा करते हैं। जूनियर डॉक्टर होते हैं तो बात बात पर हड़ताल करते हैं, सीनियर हो जाते हैं रोटी इकट्ठे करते हैं। अब ये तो इंसानियत की खिदमत ना हुई ना। आप ठीक कह रहे हैं लेकिन सब डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, और रोशनी तो डॉक्टर बनने से पहले से इंसानियत की खिदमत कर रही है। ये बात तो है, बस मैं तो ये कह रहा था ये स्पिरिट जो है ये जिंदा रहनी चाहिए। अब लेकिन अब मेरा अगला प्रोजेक्ट एक 100 बेड का हॉस्पिटल है और गरीबों के लिए दो दो कमरों के घर बनवा रहा हूँ। ये पेपर और खुराक रक्षे बन रहे हैं, बड़ी जल्दी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। जजाक अल्लाह सेठ साहब, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप जैसे दर्दमंद दिल रखने वालों की वजह से ही दुनिया में कुछ खूबसूरती बाकी है। अरे हम कुछ करने जोगे कहाँ है दीपा जी, ये तो बस अल्लाह करवाता है, तो हम कर लेते हैं उसी का करम है। लेकिन आपकी खिदमत के लिए जैसा हूँ जिस काबिल हूँ हर वक्त हाजिर हूँ, ठीक है ना। अब याद दीजिए मीटिंग छोड़ के आया था, लोग इंतजार में बैठे होंगे, आप लोग बैठे। थैंक यू सेठ साहब। थैंक यू, आ जाओ आ जाओ यहीं आ जाओ। आपकी डोनेशन का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। आप इत्मीनान रखिए ये पैसा बिल्कुल ठीक जगह इस्तेमाल होगा। आंटी सलमान हमें पार्किंग में मिल जाएंगे तो अब हमें चलना होगा, रुस्तम साहब को भी काम करना होगा, हमने काफी वक्त ले लिया इनका। अरे नॉट एट ऑल, बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी कंपनी। थैंक यू। प्लेजर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रुस्तम। सलमान हाउ आर यू? I'm fine. How are you? Great, great. I'm so sorry. आप लोगों को मैं disturb कर रहा हूँ. Not at all, not at all. मामा keys. अभी मुझे office जाके बहुत सारे काम करने हैं, तो तुम ये चाबियाँ घर पे छोड़ दे। ठीक है, मामा अगर आपको काम है तो मैं रोशनी को घर drop कर देता हूँ। Actually मैं भी घर ही जा रहा हूँ। नहीं thanks, मैं आंटी के साथ चली जाऊँगी। Okay, fine. Bye. अच्छा जी थैंक यू सो मच, अब हमें भी इजाजत दीजिए, डोनेशन और चाय के लिए एक बार फिर शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, हमने आप पे एहसान नहीं किया, गरीबों की खिदमत करना तो फर्ज है, बल्कि आपने हमें कुछ अच्छा करने का मौका दिया। मैं अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। बहुत आहिस्ता बोलती हैं आप, सुनाई नहीं दिया मुझे। मामा मैं मानता हूं कि सेठ साहब का शुमार शहर के इज्जतदार लोगों में होता है, अगर कहने वाले कहते हैं कि ये शख्स ब्लैक मनी को वाइट करने में महारत रखता है,
जुर्म अपना निशान जरूर छोड़ता है, मगर ये लोग कमाल है। बेटा, इस दुनिया में जो शख्स कामयाब होते हैं उसके हसद करने वाले खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। डेफिनेटली होता होगा, मगर मामा जिन इज्जतदार लोगों का जिक्र हम लॉयर्स के बीच होता है ना, उनके पीछे जरूर कोई ना कोई बात होती है। बेटा, तुम कंस्पिरेसी थियोरीज में क्यों पढ़ रहे हो? अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम कहेंगे कि सेठ साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, पहले फोन कॉल में डोनेशन का वादा करते हैं और फिर इज्जत से चाय पे बुलाते हैं, और से कोई वास्ता नहीं है। ठीक कह रही हैं आप। मामा, आपको पता है सेठ साहब की 10% प्रॉपर्टी पाकिस्तान में, बाकी सब बाहर है। गल्फ में उनकी एक ऑयल रिफाइनरी है और पाकिस्तान में सबसे बड़ी केमिकल इंडस्ट्री भी उनकी। अल्लाह उन्हें और दे, तुम क्यों हाथ धो के उनके पीछे पड़ गए हो? हमने ना उनसे कुछ दिया है ना उन्हें कुछ देना है। मामा, मैं तो ऐसे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तुम छोड़ दो इन सारी बातों को, एक मेंशन की तैयारी करो, वो ज्यादा जरूरी है। मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रही हूँ, सेठ से निपटने के लिए मैं काफी हूँ। जानता हूँ। अच्छा, जाओ तैयारी करो। अवॉइड कंस्पिरेसी थियरीज बेटा। तुम चाहे जितनी इन्वेस्टिगेशन कर लो, कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि किसी को भूल देने की इतनी बड़ी सजा होगी, इतना बड़ा गुनाह होगा। मेरे पास गिफ्ट नहीं था तो मैं क्या करती? अगर वो तुम्हें इतना इंटरेस्टेड है तो तुम उसे इग्नोर क्यों कर रही हो? अच्छा खासा तो है। अच्छा, अगर इतना अच्छा है तो तुम ले लो। अच्छा जी, अपना राज छुपाने का वैसे अच्छा स्टाइल है। ठीक है, तुम ये स्टाइल भी ले लो और ये भी ले लो, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। बस कर दे मेरा बाप, तेरी माँ को मनाए बगैर कुछ नहीं हो सकता। She's very pretty, Bobs. Very graceful. आप बताएं, आपको कैसी लगी? मेरे से पूछ रहा है कैसी लगी? तुझे ऐसा लगता हूँ मैं? हैं? पर मेरे बेटी जैसी थी वो, मैंने उसको देखा भी नहीं। ये अच्छा या बुरा है, लेकिन वाल काम तेरी माँ गौर से देखती है, उससे पूछना जाके। शादी तो किसी से? शादी उसी से करूँ? वो को बलून है, को खिलौना है, वो को जो पसंद आ गई वही लूंगा। लड़की जाग है, जीती जागती है, हो सकता है उसकी मंगनी हो चुकी हो, निकाह हो चुका हो। तो मुक्सुदी तो उसकी मेरे साथ ही होगी। और डफर और डफर, रुखसती उसी के साथ होती है, सब मंगनी है, निकाह हो चुका हो। चल जा, जा मुझे काम कर दे, चल। पॉप्स, मंगनी टूट सकती है और अगर निकाह हुआ हो तो तलाक। मौका देख के उसे बात करूंगा। मतलब जा, खुद भी काम कर, मुझे भी काम करने दे, बहुत काम है। लड़का संभलेगा कैसे? पहले तो बोला था ठीक है, तो शादी के चक्कर में पड़ गए। रुखसती हो सकती है, मंगनी हो सकती है, निकल। तो कौन सा साथ? शादी करेगा, मंगनी करेगा, दिमाग खराब कर दिया मेरा। इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए 2 घंटे पहले एयरपोर्ट जाना चाहिए, आप टाइम जाया कर रहे हैं। ट्रू। हेलो। हेलो, हाउ आर यू? आप कौन? अरे, आपने मुझे पहचाना नहीं? एक काम कीजिए ना, स्काइप तो होगा आपके पास, तो आए स्काइप पे देख ले मैं कौन हूँ। रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर। वैसे रॉन्ग नंबर पे इतनी बात। जब ताजा गुलाब है जलता,
रोशनी बेटा, अंधेरा होने से पहले ही ना अदीबा के घर का चक्कर लगा लो। अब सब चीजें चेक कर लेना, लाइट्स एंड नॉब्स एंड गैस, ये वो खिड़कियां दरवाजे, वो जल्दी में निकली है, पता नहीं कहीं कुछ खुला ना छोड़ दिया उसने। अरे मम्मी, अगर अदीबा आंटी जल्दी में गई है तो सलमान है ना, वो तो आ जाएंगे, आप फिक्र क्यों करती हैं? सलमान भी चला गया है। चला गया? कहाँ चला गया? अदीबा बता रही थी कि लंदन गया है। अब ये मत पूछना कि किस लिए गया है, लंदन में कहाँ गया है, ये सब मैंने नहीं पूछा, मेरा कोई कंसर्न ही नहीं है। उनके अपने मसले, हमें अपने कामों से फुर्सत नहीं है, उनके अपने मसाइल हैं सारे। कुछ पासपोर्ट का शोर हो रहा था, इसी चक्कर में भाग दौड़ हो रही थी तो मिस्टर सलमान चुपचाप लंदन चले गए। मुझे क्या, कहीं भी जाए। अरे सारे दरवाजे लॉक करके अपना बेडरूम का दरवाजा लॉक करना भूल गई, और देखो लाइट्स भी ऑफ नहीं की। अरे कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली भाग नहीं जाती, बल्कि वहीं खड़ी रहती है मेरी तरह। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। वैसे आप तो चले गए थे ना, इमरजेंसी लैंडिंग की है, पैराशूट से डायरेक्ट यहाँ जंप मारी है। यानी कि आप जाने वालों के लिए बदुआएं करते? अल्लाह ना करे, मुझे क्या पड़ी है, मैं किसी के लिए बददुआ नहीं करती। तो फिर दुआएं करती हैं? अपनी मामा के पैसे उठा ली। मामा के पैसे? हाँ, वो जल्दी जल्दी में गिर गए होंगे, मैं गिन रही थी और आपने आके डरा दिया। ना उन्होंने दरवाजा लॉक किया, ना ही लाइट्स ऑफ की, बस ये करने आई थी मैं। आपसे इतना नहीं हुआ कि एक्स्ट्रा लाइट्स ऑफ कर दें? अरे मुझे जाने तो दे। वैसे मामा तो कह रही थी कि आप लंदन जा चुके हैं, आप कहीं जाते क्यों नहीं है? चले आप बता दीजिए कहाँ जाऊँ। खुदा के लिए ही मत कहिएगा कि जहन्नुम में जाऊँ, क्योंकि वहां तो मैं ऑलरेडी हूँ। क्या मतलब, आपको मेरा घर जहन्नुम लगता है? नहीं, एक्चुअली मन चाह साथ ना हो तो हर जगह जहन्नुम लगती है। इसे बाय द वे, मैं एयरपोर्ट से आ रहा हूँ और मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मेरा रास्ता छोड़े। जो रास्ता पकड़ ली उसे छोड़ना नहीं चाहिए, बस चलते रहना चाहिए। अब इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। क्यों, कुछ दिन पहले तो हुआ था। कुछ दिन पहले मैं शबनम से जो नहीं मिली थी। शबनम? ये शबनम कौन है? जीतने का मजा रुस्तम से ज्यादा किसी और को क्या पता, क्योंकि रुस्तम को तो सिर्फ जीतना आता है। चलो ओके बाय। वो मेरा कुछ नहीं लगता, मुझे इसकी परवाह भी नहीं, भरोसा भी नहीं, एतबार नहीं, प्यार भी नहीं। फिर जहन में क्यों है वो, दिल में क्यों है, पूरे चांद में क्यों है? Thank you.
24 घंटे की फ्री मेडिकल अटेंशन, लड़की डॉक्टर है, डॉक्टर। तो ये मेरठ पे बनी है क्या, है काय पे? मेरिट पे, मेरिट पे। देखो ना, अभी जिसका बाप उसके ऊपर 25-30 लाख लगा के डॉक्टर बनाएगा ना, तो वो उसको फिर बंगला भी देगा, निर्गाड़ी भी देगा। देगा देगा, फिक्र न कर, मेरा दिल कहता है जरूर देगा। लड़की शक्ल से अमीर बाप की बेटी दिखती, मैं चेहरे पढ़ता हूँ, चेहरे से मुझे क्लास का अंदाजा होता है। आपने तो मेरे को बोला था वो लड़की चंदा मांगने आई थी। चंदा नहीं, चंदा डोनेशन। वही डोनेशन ही। अरे इंटरनेशनल लेवल पे उनकी एनजीओ काम करती है, उनके अकाउंट में करोड़ों अरबों रुपए होते हैं। मगर वो तो गरीबों के लिए होंगे। कुलसुम, पैसा उसका जिसकी जेब में। फिर भी आप इसका अता पता कराओ, कौन लोग हैं, सोशल स्टेटस क्या है। ऐसे में अपनी इंसल्ट कराने किसी के घर में नहीं जाऊंगी। अरे मैंने कहा ना, अच्छी लड़की है, बड़े घर की लड़की है, कम से कम तेरी बंटी से अच्छी है। फिर भी भाई अता पता कराओ, क्योंकि मेरे को उसी हिसाब से तैयारी करके उनके घर जाना होगा। नवी साड़ी लेनी होगी, पेटीकोट, ब्लाउज, दर्जी के पास चक्कर, फिर मेरे को ज्वेलरी भी खरीदनी होगी, ने फिर ब्यूटी सैलून पे जाके उसका भी टाइम लेना होगा। और जब ज्वेलरी लेने जाऊं तो गार्ड भी मेरे साथ भेजना, खतरा बहुत है आजकल। तू छोकरी देखने जाएगी या छोकरी वाले तुझे देखने आएंगे? मूड खराब करेगी खामखा। बस ठीक है, फिर तुम जाओ, छोकरे को निकाह करवा दो, मस्जिद में बैठ के ने छुआरे बांट दो। मैं बोल रही हूँ, अगर शादी होगी सिर्फ बंटी से होगी, नहीं तो किसी का बाप मुझे नहीं ले जा सकता। किसी का बाप क्यों कुलसुम? रुस्तम का बाप रुस्तम की माँ को रुस्तम के लिए छोकरी दिखाने ले जाएगा, चलेगी ना? आपकी यही बातें तो मेरे को कमजोर कर देती है। चलूंगी। ये लोग मोहब्बत का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इस तरह उनको तबाह कर देते हैं। कभी मैं नाराज होती थी, वो दो दो दिन तक खाना नहीं खाता था, मगर उसने तो मेरी ही जान ले ली। जिंदा लाश ही तू, जलती हुई आग पर भी बैठकर अगर कोई मोहब्बत की बातें करे, उस पर भरोसा मत करना। हाउ आर यू डॉक्टर? फाइनली मैं जा रहा हूँ। अब फाइनली आप चले ही जाएं। दो मर्तबा आपकी वजह से फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, तीसरी मर्तबा आपके लेट होने की वजह से आपका प्लेन आपके बगैर ही उड़ जाए, ऐसा मैं नहीं चाहती। रियली? यू नो, लोगों की बेजारी से सामने वाले की अहमियत बताती है, और जो अपने लोग होते हैं ना, वो इस फिक्र में होते हैं कि कब जाएंगे और कब वापस आएंगे। दुआ करूंगी कि आपकी इमिग्रेशन हो जाए और आप वहीं रहें। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। किसी के ख्याल से जान छूटे तो अपना ख्याल रखें। वैसे इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए 2 घंटे पहले एयरपोर्ट जाना चाहिए, आप टाइम जाया कर रहे हैं। ट्रू। हेलो हेलो, हाउ आर यू? आप कौन?
अरे आपने मुझे पहचाना नहीं? एक काम कीजिए ना, स्काइप तो होगा आपके पास, तो आए स्काइप पे देख ले मैं कौन हूं। रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। कल जब आप रोशनी की तरफ जाएंगे ना, तो प्लीज वहां इंग्लिश मत बोलिएगा, बल्कि हो सके तो बोलिएगा ही नहीं। रोशनी हो या अंधेरा हो, मेरे को नहीं जाना। तू ऐसा कर, मेरी फोटो लेके चला जा। ये इशू तो वापसी सॉल्व करेंगे। मम्मी मुझे नहीं पता, मैंने कह दिया है कल आप रोशनी को देखने जाएंगे। जिया, एक दिन तुम शबरम की बातें सुनो तो तब तुम्हें एहसास होगा। जब वो मोहब्बत का जिक्र करती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे वो मोहब्बत में डूबी हुई, वो एहसास की उस इंतहा तक पहुंची जहां सिर्फ मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं।